अभी तक हमने देखा था अपने रिप्टेड जॉइंट में सिंगल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट, लेकिन आज हम देखेंगे यहाँ पे डबल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट। तो मैंने आपको बताया था डबल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट होता कैसा है, ये बिल्कुल सिंगल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट के जैसा ही होता है। बस इसमें होता है ये है कि एक रो की जगह दो रो आ जाती है। अब जब दो रो आती है तो यहाँ पे देख हमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे देखने के लिए क्या चेंज होगा। ये हमारा जो डायग्राम है ये है हमारा डबल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट का। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रो ये हो गई है हमारी, और एक हमारी ये रो है और दूसरी हमारी ये रो है रिवेट की। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे वो चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपने उसमें देख ही लिया था सारी डायमेंशन। अब इसमें ये देख लीजिए ये डायमेंशन कितना होता है। तो जब इसका हम डायमेंशन देखेंगे तो ये हमारा डायमेंशन होता है 2d+5। कितना होता है हमारा, ये दोनों के दो रो के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा 2d+5। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं हम लोग, सॉरी पहले फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू हम लोग इधर से देखेंगे यहाँ से, और हमारा टॉप व्यू यहाँ से। आप रिव्यू में हमेशा फ्रंट और टॉप ही बनाइएगा। तो देखिए इसका टॉप व्यू कैसा होता है। तो हमारा जो फ्रंट व्यू होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी रिवेट की दोनों रो दिखाई गई है। फर्स्ट रो ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड ये है हमारी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 2d+5। मार्जिन मैंने आपको पहले बताया था कितना होता है, 1.5d होता है। ठीक है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल है इसे हम लोग PR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्जिन 1.5d, और ये प्लेट की थिकनेस हमारी कितनी है यहाँ पे टी। ठीक है, ये हमारी टी है, और टी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसका हम लोग टॉप व्यू देखते हैं। तो ये है हमारा डबल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट का टॉप व्यू। टॉप व्यू में मैंने आपको पहले जैसे दिखाया था सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। ये हमारा, ये जो हमारा सर्कल है बाहर वाला, ये हमारे रिबिट हेड का सर्कल है, और जो अंदर का है ये रिबिट बॉडी का सर्कल है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 3। इसको हम लोग बोलते हैं पिच। पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी पी इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 3d। ठीक है, पी होता है हमारा 3d। और ये जो हमारा है ये हमारा है डबल रिप्टेड लैप चैन टाइप है हमारा। और इसके बाद हमारा एक आता है जिगजैग टाइप। अब जिगजैग होता क्या है, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो उसमें जो हमारे रिवेट होते हैं वो इस तरह सीधे ना होके वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होंगे। वो आपको अभी नेक्स्ट में मैं बताऊंगी। तो इतना आपको कंफर्म है, इतना आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे सेक्शन लाइन जरूर दिखाइएगा। सेक्शन लाइन का मतलब ये होता है जो हमारा तो फ्रंट व्यू आया है वो हमारा कहाँ से काटा गया है। आप यहाँ पे भी सेक्शन लाइन दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी रिवेट से पास होते हुए सेक्शन लाइन दिखा दीजिएगा। सेक्शन लाइन कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा। ठीक है, और लास्ट में एक एरो ऐसे दिखाइएगा यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया गया है। और दोनों प्लेट में ध्यान रखिएगा कौन सा डॉटेड आएगा, कौन सा फर्म लाइन आएगी। जो हमारी प्लेट नीचे रखी हुई है ये वाली प्लेट, इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन जो एज है वो आपको फर्म बनाया गया, पर जो लास्ट वाला यहाँ पे जो एज है वो डॉटेड आएगा। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ रखा हुआ है और हमें ऊपर से देख रहे हैं वो हमें दिखेगा नहीं, इसलिए वो हमारा डॉटेड आया है। और ये हमारी जो दूसरी प्लेट है ये ऊपर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है और हम ऊपर से देख भी रहे हैं, तो उसमें क्या होगा वो हमें पूरी की पूरी दिख जाएगी, इसलिए उसका कोई भी एज जो है डॉटेड नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जिगजैग टाइप पे। तो ये है हमारा डबल रिप्टेड लेफ्ट जॉइंट का नेक्स्ट जॉइंट है, जिसे हम लोग जिगजैग जॉइंट भी बोलते हैं। अब जिगजैग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं हम यहीं से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक रो ये है हमारी और दूसरी रो ये है। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमारी जो एक रो थी उसके पैरेलली दूसरी रो का रिवेट पास हो रहा था इस तरह से, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं दूसरा रिवेट यहाँ ना हो करके यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है,
ये हमारा दूसरा डिबिट है, इसके सीधे में नहीं है। तो इस टाइप का जो हमारा सेटिंग होती है डिबिट की, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिबिटेड लेफ्ट ज्वाइन एंड जिगजैग टाइप। उससे पहले हमारा जो था वो चैन टाइप था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी डायमेंशन देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो ये है हमारा जिगजैग टाइप का फ्रंट व्यू। अब इसमें हम मेन डिफरेंस आपको देखने को क्या मिल रहा है, आप उससे देखिए पहले, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। तो जो हमारा जो पहले हम कटिंग कटिंग करते थे, उसमें सेक्शन प्लेन डालते थे, वो रिवेट दोनों रिवेट को काटते हुए जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, रिवेट दोनों साथ में नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सेक्शन लाइन है हमारी, वो सिर्फ एक रिवेट को कट करेगी, सिर्फ इसे कट कर रही है, इसे कट नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या इसे बना दिए, पूरे बना दिए हैं। और इसका वो डॉटेड आप यहाँ पे इसका ये जो आएगा इसका बॉडी रिवेट का, वो यहाँ पे डॉटेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो फर्म दिख जाएगा हमें, आपको एक फर्म दिखाना है, एक डॉटेड दिखा सकते हैं। आप इसे फर्म दिखा सकते हैं, इसे डॉटेड से दिखा सकते हैं, या फिर इसे डॉटेड, या इसे फर्म दिखा दिए, या इसे डॉटेड दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे। चेंज जो हमारा हो रहा है बीच की, यहाँ पे दो रिबिट के बीच का डायमेंशन हमारे जो है वो चेंज हो रहा है। पहले हम लोग कितना लेते थे, पहले हमारा था 2D+5 चेन टाइप में, अब लेकिन यहाँ जिगजैग टाइप में कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो रहा है 2D। और मार्जिन सब में सेम रहेगा 1.5D। ये देखिए मार्जिन है यहाँ पे, यहाँ पे ये मार्जिन और ये मार्जिन, और उसकी थिकनेस टी। और आपको ये पता है ये एंगल कितना होता है यहाँ पे, ये जो हमारी प्लेट है थोड़ी सी इस तरह से है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, ये बन रहा है 10 डिग्री का, ठीक है। आप 10 to 15 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 10 ही बनाइएगा। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया ये, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछिएगा वैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू आप लोग खुद से बनाइए, इसका आपकी बुकलेट में बना हुआ है। टॉप व्यू भी बिल्कुल सेम ही बनेगा जैसे कि बाकी सभी बना था, बस उसमें आप फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारे जिगजैग टाइप का टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आप इसका अरेंजमेंट देखिए किस तरह से, जो हमारी रिवेट है कुछ इस तरह से अरेंज आपको मिल रही है। तो जो हमारी पहली रो ये है, ये आ गई है सीधी सीधी सी, और दूसरी रो हमारी ये है, ठीक है। पहले में हमारा क्या होता था, जो रिवेट थी हमारी एक दूसरे के सामने लगी हुई थी इस तरह से, लेकिन यहाँ पे सामने नहीं होकर के थोड़ा सा डायगोनल में लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल कितना है, अब यहाँ इस रिबिट के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, वो है हमारा पी, ठीक है। वो पी है, पी कितना है यहाँ पे 3D, ये यहाँ से यहाँ तक 3D है। अब जब आप 3D लेंगे तो इसके बीच का सेंटर देखिएगा कहाँ पे आएगा, जब सेंटर आप निकालेंगे तो सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब उस सेंटर से एक लाइन यहाँ पे पास करते हुए ले जाइए, अब इसको जहाँ पे कट करेगा वो, आप वहां से दूसरे रिबिट का सेंटर मान के उसको ड्रॉ करिए। कोई डाउट है, नहीं है कोई बात नहीं, होगा तो पूछ लीजिएगा। और इसका सेक्शन प्लेन देखिए यहाँ से पास हो रहा है, ये हमारा सेक्शन प्लेन है, ये हमारा सेक्शन प्लेन यहाँ पे है। अब इसमें सेक्शन प्लेन में हम देख क्या रहे हैं, जो हमारी सेक्शन लाइन है वो एक ही रिबिट को कट कर रही है, दूसरे रिबिट को कट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो हमारा दूसरा रिबिट है वो यहाँ पे है। अगर वो रिबिट यहाँ पे होता तो उसे भी कट करती, और जो हमारा फ्रंट व्यू है उसे उसका भी सेक्शनिंग दिखाना पड़ता हमें। लेकिन यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, सेक्शन प्लेन जो है सिर्फ एक ही रिबिट को कट कर रही है, इसलिए आपको एक ही वहां पे कट कर दिखाया गया है। ये देखिए ये आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही रिबिट को सेक्शन करके दिखाया गया, दूसरा रिबिट सेक्शन में नहीं है। लेकिन आप इसका यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाइएगा बॉडी का, ठीक है, वो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि आप सेक्शन ही नहीं है, लेकिन उसका डॉटेड तो आएगा, आप वहाँ पे जरूर दिखाइएगा, ठीक है।